हेलो व्हाट्सअप अल्टीमेट्स, आप सभी का स्वागत है पोकेमोन एमरल्ड के कॉर्न एपिसोड में। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और पिछले एपिसोड में हमने इलीट फोर को हरा दिया था। जी हाँ दोस्तों, हम लोग आए थे पोकेमोन लीग में, हमने बैटल किया इलीट फोर के फर्स्ट मेंबर, फिर सेकंड, फिर थर्ड और ये रहा फोर्थ मेंबर। तो हमने एक एक करके सभी इलीट फोर मेंबर्स को हरा दिया और आज के एपिसोड में हम लोग जाने वाले हैं और फाइनल बैटल करने वाले हैं पोकेमोन लीग का। इस पोकेमोन लीग के इस होएन रीजन के चैंपियन के साथ, और पता नहीं वो चैंपियन कौन होगा जिसके साथ हम बैटल करने वाले हैं। तो चलो गाइज चलते हैं और देख लेते हैं। सो बहुत बहुत ज़्यादा तगड़ा होने वाला है। कितना भाई, कितना लंबा सीरी है, क्योंकि हम चैंपियन के साथ बैटल करने वाले हैं। तो क्या होगा। ओके दोस्तों, ये है वैलेस। वैलेस आपको याद होगा जब अटैक हुआ था, मतलब जब क्राउडन और कायोगर और रेक्वाजा लड़ रहे थे, मतलब तब हम वैलेस के साथ गए थे स्काई पिलर में रेक्वाजा को रेक्वाजा की मदद लेने। तो वैलेस ही हमारे साथ था। तो अब ये चैम्पियन है भाई पोकेमोन लीग का। मुझे पता था, वैसे मैंने खेला इस गेम को तो मुझे पता था, लेकिन मैं स्पॉइल नहीं करना चाहता था। तो चलो गाइज वैलेस क्या कहता है वो सुन लेते हैं। Welcome, Chef. That incident inside the Molasses City. That was super work, putting an end to that crisis all by yourself. Oops. It wouldn't be fair to say that you alone ended the crisis. You overcame the difficult situation. भाई वैलेस ठीक से बोल रहे हैं भाई, क्या एओ कर रहा है। वैसे कर तो नहीं रहा हूँ, लेकिन फिर भी चलो। You overcame the difficult situation by working as one with your Pokemon. Your trainers raised Pokemon by giving them items and by teaching them new techniques for a battle. But we ourselves also learned many things from Pokemon, and this is where your achievements are put to the test against what are others like you have achieved. Now, who can most elegantly dance with their Pokemon in Hoenn? Show me right here and now. Guys, यहाँ battle start हो चुका है मेरे और वैलेस के बीच, जो कि है पोकेमोन होएन रीजन का चैंपियन वैलेस। Finally, guys, battle start हो चुका है। इसी दिन का हम इंतज़ार कर रहे थे कब हम चैंपियन के साथ बैटल करें और खुद चैंपियन बन जाएं। सो यहाँ पे आ चुका है चैंपियन वैलेस, जिसने भेजा है वेल लॉर्ड को लेवल 57 का। तो सबसे पहले हम यूज़ करेंगे अपना हिप्नोसिस। ओके, अब थंडर बोल्ट, यही हमारा स्ट्रैटेजी रहता है। ओके नाइस। टेंटाक्रूल के लिए मैं भेजूँगा स्टॉर्म को। लीफ ब्लेड, ओ भाई 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 दोस्त को भेजते हैं। हाइपर बीम, नाइस। माइलियोटिक, ओ माइलियोटिक भी है इसके पास, इस रीजन में माइलियोटिक है। वाओ, मुझे याद नहीं था माइलियोटिक है। वैसे माइलियोटिक को पकड़ने के लिए फीबर्स को पकड़ना पड़ेगा, फिर काफ़ी एक झंझट यार, उसको इवॉल्व करना बहुत मुश्किल है माइलियोटिक को। तो देखते हैं। बॉडी स्लैम, आई गेस गलत है, गलत चॉइस है। आप फ्लो को भेजते हैं। ओ भाई भाई भाई, क्लैट को। मैक्स रिवाइव है मेरे पास, नहीं है। फुल रिस्टोर्ड मैं दूंगा अपने स्टॉर्म को। लिफ्ट लाइट, ओके। माइलोटिक, लिफ ब्लेड। लुडिकोलो, ओके लुडिक, ओ भाई 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 लुडिकोलो। मैक्स पोशन दे देते हैं अपने इसको, मैक्स पोशन दे देते हैं हम अपने स्ट्रिल को। लिफ ब्लेड ऑफिस हो गया, लिफ ब्लेड, यस लग गया, नाइस। लिफ ब्लेड, यस। लिफ ब्लेड, ओके। मुझे लगा नहीं था मैं हरा दूंगा इसे इतना जल्दी, बट हमने हरा दिया। और स्टॉर्म के 1159 में फॉल्स स्वाइप, ओके फॉल्स स्वाइप कैसा मूव है, उतना अच्छा तो नहीं होगा, मैंने सुना है इसका नाम। हाँ उतना अच्छा मूव नहीं है। फाइनली गाइज हमने हरा दिया होएन रीजन के चैंपियन वैलेस को। इसी दिन का हम इंतज़ार कर रहे थे, हम इसीलिए इतना मेहनत कर रहे थे और फाइनली हमने हरा दिया चैंपियन वैलेस को। सिर्फ हमने नहीं, हमारे पोकेमोन्स और मैंने मिलकर हराया
और चलो अब देखते हैं क्या कहता है। I, the champion, fallen defeat. It was wonderful work. You were elegant, infuriatingly so, and yet it was utterly glorious. Kudos to you, Siv. You are truly noble Pokemon trainer. Okay. Finally, yaar, hara diya. The Pokemon you sent into battle. At times they danced like a spring breeze, and at times they struck like lightning. It was with light you, yet sure-footed elegance that you led your Pokemon. Even I felt bedazzled by your masterful performance. You now stand at the glorious peak of the Pokemon League. I now proclaim you to be the new Hoenn region. Me aa gayi, me! Shiv, here's some advice before you challenge the champion. अरे एडवाइस देने आई थी मुझे। हाँ, what? Shiv, could it be that it's already over? Oh, भाई प्रोफेसर बर्ज भी आ गए। See, what did I tell you, May? Didn't I tell you that you don't need to worry about Shiv? Shiv, you have finally done it. When I heard that you defeated your own father, the Battenberg gym, I thought perhaps you had a chance. But to think you have actually become the champion? Oh yes. What become of your Pokédex? Here, let me see. So I have seen 141 Pokemon, and you have got 28 Pokemon. Some Pokemon only appear in certain areas. You must be persistent. Anyways, congratulations. Now go proudly into the final room. Siv, now let me rephrase that properly. The new champion, come with me. I'm sorry, but from here on, only those trainers who have become champions. maybe RDD Vijay. Only those trainers who became champions may enter. You will have to wait outside with Professor Birch. I'm just joking, that's okay, that's the rule. Save honestly, congratulations. This room, this is where we kept records of Pokemon that prevailed through horse battles. It is here that the league champions are honored. Come on, let's record your name as a trainer who trimmed over the Pokemon League and the names of the partners who battled with you. तो हमने प्लेस कर दिया अपने साढ़े छह पोकेमोन्स को। सो ये है गार्डिवियर हमारा फ्लो लेवल 55 का। ये है हमारा डोज गैराडोज लेवल 55 का। ये है हमारा क्लैड एग्रोन लेवल 55 का। और ये हमारा स्टंट पोकेमोन हमारा प्यारा दोस्त स्टॉर्म सेप्टाइल। और ये है हमारा बैगॉन जो इवॉल्व हो चुका है सेलेमेंस में फिलहाल, और गॉन इसका नाम है लेवल 55 में। और ये है स्ट्रेल टोडकॉल लेवल 55 का। सो ये है हॉल ऑफ फेम, ये है असली चैंपियंस, मैं नहीं हूँ, इनके वजह से ही हम जीत पाए, इनके वजह से ही हम इतने आगे आ पाए। और ये रहा मैं। सो गाइज कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक्स फॉर द सपोर्ट आपने इस सीरीज पे दिखाया। वैसे ये गेम खत्म नहीं हुआ, बट स्टिल हमने मेन स्टोरी लाइन को कंप्लीट कर लिया। हमने सभी 8 जिम बैजेस को कलेक्ट किया, हमने इलिट 4 को हराया, हमने चैंपियन को हराया, हमने अपने पोकेमोन के साथ इतना लंबा सफ़र तय कर लिया, और आज हम चैंपियन बन चुके हैं थैंक्स टू आवर पोकेमोन्स। एंड थैंक्स एवरीवन टू सपोर्ट दिस सीरीज। ओके सो गाइज, यहाँ पे एंडिंग आ चुका है, और काफ़ी काफ़ी मस्त गेम था, काफ़ी मुझे मज़ा आया इस गेम को खेलने में। मतलब हमने एकदम स्टार्ट किया था, भाई कितना दूर आ चुके हैं हम, है ना। जब आपको याद होगा कि हम प्रोफेसर बर्ड्स से मिले थे, ट्रिको टॉर्चिक फिर मटकीप था उस उनके पास, और उनको एक पोकेमोन ने अटैक कर दिया था। आई थिंक किसी पोकेमोन ने अटैक किया था उन्हें, फिर उन्होंने हमसे हेल्प मांगी थी कि हमारी हेल्प करो, और हमने उसी टाइम अपने फर्स्ट स्टार्टर पोकेमोन इस गेम के फर्स्ट पोकेमोन को चूज़ किया, जो कि था हमारा, क्या था याद करो, ट्रिको। जी हाँ, ट्रिको था हमारा, और आज वो सेप्टाइल में इवॉल्व हो चुका है। उसके वजह से हमने काफ़ी कुछ किया थैंक्स टू आवर स्टार्टर, उसके वजह से ही हमने अपने दूसरे पोकेमोन्स को पकड़ा, उसके वजह से हमें स्ट्रिल मिला, उसके वजह से हमें गैराडोस मिला, ये मिला वो मिला, मतलब सब कुछ। हाँ, मैं कहूँगा कि सब कुछ हमारे स्टार्टर पोकेमोन की वजह से ही होता है हर गेम में। तो बहुत बहुत सही था ये गेम, काफ़ी मज़ा आया, हमने बहुत कुछ किया इस गेम में। सिर्फ पोकेमोन लीग नहीं, सिर्फ चैम्पियन नहीं, सिर्फ इलीट फोर नहीं, हमने काफ़ी कुछ किया। हमने टीम मैग्मा, टीम एक्वा को रोका, हमने ग्राउडॉन, कायोगर, हमने रेक्वाजा को देखा, हमने बैटल करते हुए देखा, हमने बचाया पूरी दुनिया को, और काफ़ी मज़ा आया इस गेम में, और काफ़ी अच्छा था होएन रीजन, काफ़ी मस्त था, काफ़ी मज़ा आया। और आई होप कि मैं इसको फिर से खेलूँ कभी ना कभी।
और मज़ा आया, मुझे बहुत मज़ा आया। इसका रीमेक भी बन चुका है वैसे, पोकेमोन ओमेगा रूबी और अल्फा सफायर, तो वो भी हम कभी ना कभी खेलेंगे किसी दिन, क्योंकि उसका ग्राफिक्स, उसका उसमें मेगा एवोल्यूशन से तो डेफिनेटली कुछ कुछ ना कुछ अलग होगा उसमें, तो मज़ा आएगा उसे खेलने में। और बस मज़ा आया, बहुत मज़ा आया मुझे इस गेम को खेलने में, बहुत मज़ा आया, बहुत ही ज़्यादा। सो अब ये एंड हो चुका है, मतलब अभी तो कुछ थोड़ा बहुत बाकी है, अभी तो मेन चीज़ बाकी है दोस्तों। अब मैं बताऊंगा नहीं क्या मेन चीज़, शायद से पता भी होगा आप लोगों को, और वो जब हम कर लेंगे उसके बाद ये गेम कंप्लीट होगा। सो यस, हमने जीत हासिल कर ली और हम बन चुके हैं चैम्पियन होएन रीजन का। तो यहाँ पे देखते हैं कितना लंबा एंड क्रेडिट है। सो वैसे आप लोग टिप्स दे सकते हो मुझे कि अब आगे क्या करना है, क्योंकि आगे मुझे कुछ नहीं पता। शायद से हमें लेजेंड्री हंटिंग करना पड़ेगा, क्योंकि रेक्वाजा मुझे याद है कुछ कुछ पोकेमोन्स को रेक्वाजा पकड़ सकते हैं, कायोगर पकड़ सकते हैं, ड्राउडन पकड़ सकते हैं, और भी कुछ एक दो पोकेमोन्स को पकड़ सकते हैं हम शायद से, या चीट कोड लगाना पड़ेगा। मैं चीट यूज़ करेंगे तब हम, लेकिन चीट से यार मेरा गेम मुझे लगता है ख़राब हो जाएगा, मैं चीट कोड यूज़ नहीं करता ज़्यादातर, प्री इंस्टॉल्ड रहते हैं जैसे एनडीएस गेम्स में, तब मैं यूज़ करता हूँ, लेकिन ऐसे यूज़ नहीं करता। सो गाइज, ये रहा पोकेमोन एमराल्ड जर्नी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर द सपोर्ट।